मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेक्स्ट स्टेप है नेगेटिव, इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले कल मैंने आपको इसकी एडवर्स बताई थी और शायद आपने याद कर ली होगी, फिर भी यदि आपने नहीं लिखा है या याद नहीं किया है तो एक बार फिर देख लीजिए। देखिए इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन जो एडवर्ब है, जैसे कि यट आता है, सिंस आता है, फॉर आता है, रिसेंटली आता है, सो फार आता है, जस्ट आता है, ऑलरेडी आता है, ये क्या है, इसकी सारी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है उसको फिलअप किया जाता है। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है नेगेटिव सेंटेंस उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी पहचान लिखनी है। पहचान लिखेंगे तो क्या होगा, वाक्यों के बीच में नहीं लिखा हुआ होता है और अंत में इसके जो है वो आपके चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, या है, यी है, ये है और आदि जो है वो आते हैं इसके, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या करना है, इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार इसके अंदर आपको लिख करके बता देता हूं कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो है या है आता है और फिर इसमें नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हैज कब यूज होता है और हैव जो है वो कब यूज होता है इसके बारे में, तो देखिए हैज जो है, हैज जो है वो जब इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर इसका है जाएगा, और हैव जो है जब इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको नोट रखना है इसके अंदर। और इसके पश्चात हम इसका स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव सेंटेंस का उसके बारे में बता रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है, तो सबसे पहले देखिएगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आता है और फिर क्या लग जाता है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट होता है और अदर ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, टाइम आता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। उसके बाद में इसके सेंटेंस किस टाइप से बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस बताया मैंने इसमें कि राम ने कक्षा में पाठ याद नहीं किया है, किया है, तो अब देखो नहीं नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है और या है आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके अंदर आपको हैज या हैव का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए राम है तो ये राम आ गया, इसके साथ में हम हैज का प्रयोग कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा, नॉट। अब वर्ब क्या है, याद करना, तो राम हैज नॉट और याद करना यानी लर्न, कि राम हैज नॉट लर्न, राम ने याद नहीं किया है, क्या याद नहीं किया है, पाठ, तो क्या हो जाएगा, लेशन, लर्न लेशन, कहां पर, कक्षा में, तो क्या हो जाएगा ये, इन दी क्लास, और इसके बाद में क्या आते हैं इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, जैसे कि हमने उन्हें नहीं डांटा है, हमने यानी वी के साथ में क्या आएगा, हैव आ जाएगा, तो वी हैव नॉट, और डांटने को क्या कहते हैं, स्कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड, तो वी हैव नॉट स्कॉल्डेड उन्हें, क्या आ जाएगा, दे का थर्ड फॉर्म देम, ये इसका सेकंड स्टेप बन गया, ठीक है। ये आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद में हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए
हेडिंग डाल दीजिए आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आ गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल दिया। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसकी पहचान लिखनी है। तो पहचान के अंदर क्या होगा, वाक्यों के शुरू में क्या लिखा होता है, अंत में ये चीज होती है, और आदि के बाद में क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ होता है। इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, लेकिन नॉट नहीं आएगा, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैज हैव के बाद में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इंटीग्रेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाया जाता है, उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, हैज या हैव पहले आ जाता है, हैज या हैव जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में इसका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में इसका ऑब्जेक्ट प्लस आ जाएगा अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट के बाद में कोई टाइम नहीं दिया हुआ है वो आ जाता है, और फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब इसका सेंटेंस किस टाइप से बनेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे क्या मोहन अपनी घड़ी बेच चुका है, ये सेंटेंस बन गया। मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, है आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हैज मोहन। अब वर्ब क्या है, सेल, सेल यानी बेचना। तो देखिए सेल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है इसका सॉल्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है ना। तो हैज मोहन सॉल्ट, उसके बाद में अपनी घड़ी यानी हिज वॉच। तो हैज मोहन सॉल्ट हिज वॉच, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके इसका। उसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम ये लिखेंगे कि क्या बच्चे कक्षा से भाग चुके हैं, कक्षा से भाग चुके हैं, ये चीज बन गई। बच्चे प्लूरल है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, है, उसके बाद में आ जाएगा दी चिल्ड्रन भागना, रन अवे। तो हैव दी चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम दी क्लास, यानी कक्षा से, फ्रॉम दी क्लास, ये चीज आ गई आपके इसमें। और उसके बाद में क्या डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क जो है वो डाल दिया जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसका इंटरव्यू सेंटेंस होता है तो हैज या हैव जो है वो आने वाले। अब जैसे कि मैंने इसमें यहाँ रन वर्ब के बारे में बताया है, देखिए रन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म इसका रन होता है, थर्ड फॉर्म फिर इसकी रन होती है, आईएनजी फॉर्म इसका क्या बनता है, रनिंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म इसकी क्या बनती है, रन्स होता है। यानी ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म है, ये इसका थर्ड फॉर्म है, ये इसका आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कह दीजिए, और ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से इसका ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बनाया जाता है। उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप इसको समझे। इसके बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और ये डाल दिया आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, अब इसकी पहचान देखो क्या हो गया, क्या किसी बीच में हम क्या लगा देंगे, क्या होता है, उसके बाद में नहीं होता है, और अंत में चुका चुकी और ये चीज आ जाती है। और इसमें आपको क्या करना है, ये सारी चीज इसके अंदर सेम ही है, हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाता है, अदर ऑब्जेक्ट आ जाता है, अदर ऑब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ टाइम आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बाकी वही है, ये सारी चीज आप
पहले लिख चुके हैं, इसको आप में सवाल का लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का बता दिया है, और इसकी एक्सरसाइज जो है वो किस प्रकार से होगी इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस जैसे कि क्या हमने उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, क्या हमने उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, तो क्या हो जाएगा, हमने प्लूरल है आ जाएगा, तो हैव वी नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, टीच की जगह पर टॉट, तो वी हैव वी नॉट टॉट इंग्लिश या टॉट देम इंग्लिश, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये इस टाइप से जो है इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ओके okay.